बात G20 की, G20 की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस समिट को कामयाब बनाने के लिए सरकार के कई मंत्रालय और एजेंसियां लगी हुई हैं। किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। G20 की बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होनी है, जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, रूस समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और प्रतिनिधि आएंगे। इनके स्वागत के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। भारत मंडपम को बेहद खास तरीके से सजाया गया है, जिसके तहत विदेशी मेहमानों का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए किया जाएगा। तो वहीं भारत मंडपम के पहुंचने पर विदेशी मेहमानों का स्वागत किस तरह से होगा, एक बार जान लेते हैं। दरअसल G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए रिसेप्शन एरिया में डांसिंग गर्ल लगाई गई हैं, जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की आइकन है। ये डांसिंग गर्ल 5 फीट लंबी और 120 किलोग्राम की है। ये डांसिंग गर्ल महिलाओं को आजादी को दर्शाती है। इस डांसिंग गर्ल को राम सुतार और अनिल सुतार ने बनाया है। इस खास तौर पर G20 के लिए ही बनाया गया है। माना जा रहा है कि G20 के बाद इस मूर्ति को नेशनल म्यूजियम में आम लोगों के दीदार के लिए रखा जाएगा। और अब बात करते हैं डिजिटल दीवार की। भारत मंडपम के हॉल नंबर 14 के सामने एक डिजिटल दीवार होगी। यहां भारत के 7,000 साल के इतिहास, सभ्यता और परंपरा को दर्शाया जाएगा। इसके पीछे मकसद है कि विदेशी मेहमान जान सकें कि भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास कितना पुराना है। डिजिटल दीवार पर 26 इंटरैक्टिव पैनल लगेंगे, जिसमें वैदिक काल, महाजनपद और गणतंत्र, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, कौटिल्य ने कैसे अर्थशास्त्र की नीति बनाई, सम्राट अशोक ने कैसे शासन किया, इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा संत कबीर, रविदास, गुरु नानक देव, राजा कृष्णदेव राय, छत्रपति शिवाजी की वीर गाथाओं का जिक्र होगा। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता का भी वर्णन इस डिजिटल दीवार के द्वारा किया जाएगा। वही डिजिटल दीवार के इन पैनलों पर वैदिक पीरियड के शुरू होकर 2019 के चुनाव तक की झलक भी देखने को मिलेगी। इन पैनलों में टच स्क्रीन होगी, जिसके जरिए ऑडियो से लेकर टेक्स्ट तक की कहानियां सुन सकेंगे और देख भी सकेंगे। 16 भाषाओं में ऑडियो, वीडियो और टेक्स्ट भी उपलब्ध होंगे। ये ऑडियो 60 सेकंड की होगी। इन पर स्क्रीन पर वैदिक एरा, सम्राट अशोक, फायान, मैग्नेसिस के कई बार की गई हैं। वहीं उत्तर मेरू में मंदिर पर अंकित 10वीं शताब्दी के लोकतंत्र की कहानी से लेकर भारत के संविधान बनाने की प्रक्रिया और उसकी खासियत का जिक्र भी इस स्क्रीन में किया गया है। इस इंटरैक्टिव की सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत में निष्पक्ष तरीके से चुनाव कैसे कराए जाते हैं, उसकी पूरी जानकारी भी दी गई है। इलेक्शन कमीशन से जो डेटा लिया गया है, उसके आधार पर भारत में इलेक्शन प्रक्रिया को दर्शाया गया। भारत जैसे बड़े देश में इलेक्शन किस तरीके से बड़े स्तर पर किया जाता है, इसमें दर्शाया गया है। इसके साथ आखिर में कैसे गिर के जंगलों से लेकर सियाचिन तक निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, वो भी इसमें दिखाया गया है। फिलहाल योजना है कि G20 का कार्यक्रम खत्म होने के बाद एग्जीबिशन 10 दिनों के लिए चलेगी और वो आम आदमियों के लिए भी ओपन यानी कि खुली रहेगी। इसके अलावा विदेशी मेहमानों का स्वागत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के जरिए किया जाएगा, जिसमें भारतीय परिधान पहने एक AI एंकर मौजूद होगी। ये AI एंकर विदेशी मेहमानों को 16 भाषाओं में और पूरे देशी अंदाज में स्वागत करेगी। भारत में लोकतंत्र की परंपरा कितनी पुरानी है, कितनी गहरी और साफ है, ये सब टेक्नोलॉजी के जरिए G20 के मेहमानों के आगे पेश किया जाएगा। MCD की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो साफ सफाई को लेकर होती है, और हमारी इस बार G20 के उपलक्ष्य में जो जिम्मेदारी है नगर निगम की है, सफाई व्यवस्था को कैसे दुरुस्त रखा जाए, तो उसके लिए हमने लास्ट एक महीने में जितने भी हमारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करी। हमने उनको निर्देश दिए कि कैसे हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रख सकते हैं, और इसमें एक महीने के अंदर 11,000 के आसपास जो हमारे गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, और सभी अधिकारियों का निर्देश था कि ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर उन पॉइंट्स को साफ कर दिया जाए और उनको वहाँ पर सुंदरीकरण कर दिया जाए। तो वो सब मुझे लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि है, नहीं तो पहले वाले कंडीशन में ये रहता था कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे, तो अब
आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा सुंदर और पहले से ज़्यादा साफ सुथरी दिल्ली अब देखने को मिल रही है। और जितनी भी हमारी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं उनको भी हमारी आसपास के जितना भी इलाका है जहाँ पे डेलीगेशन का डिप्यूटेड रूट रहेगा और जहाँ पर उनके ठहरने की व्यवस्था है, कम से कम 35 ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर हमने उन मशीनों को लगाया जिसके माध्यम से जो हमारी एंटी स्मोक गन्स हैं, पानी का छिड़काव है, वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, उनके माध्यम से उन सारी फुटपाथ और रोड की सफाई भी पूरी हो चुकी है और चल रही है। टुडे मोर एंड मोर पीपल हैव एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन और सोशल स्टेटस ओइंग टू द रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक आधार, अफोर्डेबल इंटरनेट एंड मोबाइल फोन सर्विसेज। राजधानी दिल्ली G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तमाम सेक्टर्स की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ सेक्टर्स पे दिया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के, वो लगातार हॉस्पिटल्स का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त जीबी पंत में मौजूद हैं। जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी से बताया जा रहा है, G20 को लेकर दिल्ली कितनी तैयार है, हेल्थ स्ट्रक्चर कितना तैयार है सर अभी का? देखिए, सारे हॉस्पिटल्स में दिल्ली गवर्नमेंट की तैयारी है और अलग से इमरजेंसी बेड्स की व्यवस्था की गई है, ICU बेड्स की व्यवस्था की गई है। सभी होटल्स के अंदर 24/7 हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ अवेलेबल रहेंगे। सर, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कोऑर्डिनेशन की, क्योंकि तमाम विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, दिल्ली के आपके डॉक्टर्स रहेंगे, नर्सेज रहेंगे, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा क्योंकि तमाम प्रोटोकॉल्स अलग होते हैं? देसी मेहमान नहीं, विदेशी मेहमान भी है, प्रोटोकॉल्स के लिए आप लोग इसे किसी ने कंसल्ट किया? पूरा जो है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसमें काम कर रही है और जहाँ जहाँ पे भी केंद्र सरकार ने कहा कि उनको हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सारा के सारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको दिए हैं। एक विवाद लंबे समय से चला आ रहा है क्रेडिट लेने का। अभी हमने देखा था PWD के काम में भी ये मामला आया था कि LG की तरफ से बयान आया कि दिल्ली के साथ सज्जा हमने की है, आतिशी का बयान आया कि PWD डिपार्टमेंट करा रहा है। हेल्थ में ऐसी नौबत आई या क्या केंद्र से सहयोग मिल रहा है, पैसों की सहायता मिली है सर? देखिए, LG साहब का ना PWD में कोई लेना देना है, ना हेल्थ में कोई लेना देना है, ना उन्होंने एक रुपए के बजट की भी मदद केंद्र से वो ला पाए हैं। अगर LG साहब की इतनी चलती तो केंद्र से बजट लेके आते, कुछ नहीं लेके आए। जो काम दिल्ली सरकार अपने बजट से कर रही है उसके अंदर LG साहब का ये कहना कि वो करा रहे हैं बहुत छोटी बात है, उनको इस सब चीज़ों से बचना चाहिए और वो LG के दफ्तर को भी छोटा कर रहे हैं सब। दिल्ली में G20 को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अभी हम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं जो कि प्रगति मैदान जो कॉम्प्लेक्स है जहां पर G20 समिट होने वाला है, जो कि वेन्यू है वो उसके बहुत नज़दीक है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक वॉल पे जो है पेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है जहाँ पर G20 पार्टिसिपेटिंग नेशंस का जो है मैप बनाया गया है, वहाँ की जो खास लैंडमार्क एरियाज़ हैं वो बनाए गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से जो पेंटिंग है वॉल पे बनाई गई है और भी तमाम तैयारियाँ हैं जो साथ साथ चल रही हैं। दिल्ली की सफाई चल रही है, ब्यूटिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है। अभी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं ये मेट्रो कार्ड है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बिल्कुल ये एक नॉर्मल मेट्रो कार्ड की तरह लग रहा है, पर इस बार दिल्ली मेट्रो ने टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड करके ये मेट्रो कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल की है जो कि तमाम जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स आ रहे हैं, अगर कोई और वहाँ के जो लोग आ रहे हैं अगर उनको दिल्ली घूमना हो, दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स देखने हो और पूरा एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना हो नेशनल कैपिटल को घूमने के लिए, उसकी रिच डाइवर्सिटी को देखने के लिए, तो वो ये मेट्रो कार्ड परचेज कर सकते हैं। और ये मेट्रो कार्ड हम आपको बता दें दो कैटेगरीज में अवेलेबल है, एक है 1-day कैटेगरी और एक है 3-day कैटेगरी। 1-day कैटेगरी का जो प्राइस है वो है 200 रुपये और 3-day कैटेगरी का जो प्राइस है वो है 500 रुपये। इस मेट्रो जो टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड के द्वारा टूरिस्ट जो हैं वो अनलिमिटेड मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं 1 या 3 दिन के लिए और बिना किसी एंट्री एग्जिट के, टाइम लिमिट के वो सफ़र कर सकते हैं। और दिल्ली में जो रिच डाइवर्सिटी है, कल्चर है, जो इसकी हिस्ट्री है, वो घूम के मेट्रो के द्वारा उसका जो है आनंद उठा सकते हैं। और स्पेशल काउंटर्स भी जो हैं 36 मेट्रो स्टेशन पर बनाए गए हैं जिससे कि उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, उनको कोई दिक्कत ना पहुंचे, उनको मदद करने के लिए जो काउंटर्स बनाए गए हैं। तो तमाम इन बातों का ध्यान रखते हुए, टूरिस्ट का ध्यान रखते हुए, जो G20 के लिए तैयारियां हैं वो बहुत जोर शोर से चल रही हैं और DMRC ने भी इसका तमाम ध्यान रखा है, इसलिए ये टूरिस्ट स्मार्ट कार्ड जो है उन्होंने लॉन्च किया है। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन अविनाश के साथ अक्षित गुप्ता, इंडिया न्यूज़।